साथियों, आज हम एक चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। एक नए विषय पे हम आज बात कर रहे हैं। आज हम जो किसानों का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत बड़ी योजना है जो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की और इसके बारे में तरह तरह के दावे किए गए। पता नहीं कितनी सारी चीजें बोली गई, कितना सारा एडवर्टाइजमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हुई देश के अंदर। आज हम इस योजना को समझेंगे। इस योजना को समझने के लिए हमारे साथ फोन से जो जुड़ेंगे वो निर्मल कुमार जी हैं, जो चुरू जिले में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इस किसानों से का जो ये फसल बीमा वाला योजना है उसके लिए संघर्ष किया और बहुत बड़ी संख्या में किसानों को इसका फायदा दिलवाया। उनको पूरी जमीनी हकीकत इसके बारे में पता है कि किस तरीके की सिचुएशन है, क्या परेशानी होती है किसानों को। तो हम उन्हीं से इसके बारे में बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि पूरा सवाल ये क्या है। निर्मल जी, आप बात सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो एक मिनट, हेलो, हाँ बात सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ, तो आप ये थोड़ा सा ये समझाएं कि ये जो फसल बीमा वाला जो सवाल है, ये जो किसानों का, ये क्या है, थोड़ा किस तरीके की योजना है, कैसे जो है किसानों को मिल पा रहा है, क्या झूठ है, क्या सांच है, थोड़ा समझाएं जरा। दर्शन जी, असल में हमारे अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों के बार बार किसान की बदतर हालत जो फसल खराबे के बाद हो जाती है उसको लेके जो सवाल उठाए और जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रावधान किया उसको लेकर के पूरे देश के अंदर फसल बीमा योजना के नाम से केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की। और ये योजना जब से लागू हुई उसका आधार पहले क्रॉप कटिंग जो एक फसल की एक रिपोर्ट होती है रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा, उसके बाद क्रॉप कटिंग के आधार पे किसान की फसल का बीमा किस तरीके से होगा, खराबे का आकलन किस तरीके से होगा, किसान को क्लेम देने का प्रोविजन क्या होगा, वो सारे प्रावधान उसमें किए गए। अच्छा, उसके बाद में फिर इस योजना में एक बदलाव किया गया और इस योजना का नाम बदल के क्रॉप कटिंग बेस से हटा करके इसको मौसम आधारित फसल बीमा योजना बना दिया गया। अच्छा अच्छा। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी आए हैं उन्होंने 2015 में इस योजना को पुनः बदल करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से क्रॉप कटिंग आधारित योजना पूरे देश में वापस लागू कर दी। मैं थोड़ा सा आपको सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा होता है कि ये जो जितने भी बदलाव किए गए इस योजना की पॉलिसी में, ये योजना की पॉलिसी में कोई भी बदलाव किसान के हित में या किसान के कहने से नहीं किया गया। कंपनियों के कहने पे बार बार जितने भी संशोधन हुए हैं वो सबसे देखने वाली बात तो ये है कि ये सारे कंपनियों के कहने के आधार पे हुए हैं। पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बीमा कंपनी होती थी AIC, जो LIC की तरह एक सरकार की कंपनी थी। और धीरे धीरे क्योंकि ये प्रॉफिट का क्षेत्र बनता गया और जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो सारी की सारी जो जनरल इंश्योरेंस में काम करती थी वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में आ गई। अच्छा अच्छा। अब इसमें किस तरीके से किसान को लूटा जा रहा है और किस तरीके से किसान का जो वेलफेयर फंड है, किसान का किसान कोष के नाम से जो सरकारें बजट जारी करती है उस बजट को बीमा कंपनियों के ऊपर किस तरीके से लुटाया जा रहा है, उसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे क्षेत्र में चने की फसल होती है और ये चने की फसल के लिए रबी 2018-19 में जो रिस्क कवर प्रति हेक्टर रखा गया है वो रखा गया है 30,000 रूपए प्रति हेक्टर। हाँ हाँ हाँ। और उसके बदले में जो प्रीमियम राशि है वो है 25%। हाँ हाँ। तो 25% का मतलब ये हो गया कि 7,500 रूपए बीमा कंपनियों का के पास प्रति हेक्टर वो जाएगा, पैसा जाएगा इतना। किसान कितना देगा? किसान देगा जो टोटल रिस्क कवर है 30,000 रूपए, उसका 1.5% के हिसाब से 450 रूपए, 450 रूपए किसान दे रहा है और बाकी जो 7,050 रूपए बचे हैं वो प्रीमियम सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीमा कंपनियों को दे रही है। अच्छा अच्छा।
ये सबसे महत्वपूर्ण जो समझने की बात है, आप देखिए एक तरफ तो किसान कौशल योजना के नाम पे अभी मोदी जी पूरे देश के किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी 2 हेक्टर को, मतलब 2 हेक्टर वाले किसान को 3 किस्तों में वो 6,000 रुपए देंगे और बीमा कंपनी को 1 हेक्टर का 7,050 रुपया प्रीमियम सब्सिडी के रूप में देंगे। ये तो बहुत बड़ी राशि है। अगर और गंभीरता से हम समझे तो हमारे इलाके में 2 फसल होती है, एक खरीफ और एक रबी की। तो खरीफ की फसल, जैसे मूंग की फसल अभी खरीफ 2018 में प्रीमियम उसका भी 30,000 रुपए था और रिश्त का प्रीमियम जो नहीं रिश्त का 30,000 रुपए था, प्रीमियम सब्सिडी के रूप में यहाँ पर भी 7,050 रुपए बीमा कंपनियों को सरकार ने दिया है 1 हेक्टर का। तो खरीफ और रबी का मिलाकर के सरकार ने 14,100 रुपए 1 हेक्टर का प्रीमियम सब्सिडी के रूप में बीमा कंपनियों को दिया है और किसान को 6,000 रुपए 2 हेक्टर जमीन का देंगे, वो भी 3 किस्तों में देंगे, उसमें भी बहुत सारी शर्तें होंगी। इसलिए ये पूरी तरह बार बार बीमा कंपनियों के कहने से राज्य और केंद्र सरकारों ने संशोधन करके इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी को पूरी तरह बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाली पॉलिसी बना दिया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि किसान का जो कोष है सरकारों के माध्यम से जो जारी होता है वेलफेयर फंड, वो बीमा कंपनियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। हम थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आपने बताया ये तो बहुत बड़ी राशि है, मगर इसका जो है जो क्लेम्प जो है वो क्लेम कैसे मिलता है? जैसे आपने बताया इतना प्रीमियम देते हैं हर एकड़ का, अब उसका क्लेम्प जो है ना उसका क्लेम कैसे मिलता है, क्लेम के बारे में समझा जरा, वो क्या दिक्कत आती है? ये क्लेम मिलने वाला असल में ये इतना टेक्निकल इश्यू है, किसान जो खेती करता है वो बिल्कुल इसको नहीं समझ सकता। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बात को इसलिए समझ सकता हूँ कि मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता रहा, मुझे पढ़ने लिखने का मौका मिला, किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए हम लोग इस टेक्निकल फॉल्ट को समझ सकते हैं। और हम अपने संघर्षों के माध्यम से हनुमानगढ़ और चूरू जिले में किसानों को बीमा क्लेम दिलाने में कामयाबी हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉलिसी जब पूरे देश के किसानों के ऊपर लागू होती है तो बाकी जगह तो किसान को नहीं मिल पा रहा। हम यहाँ पे लड़ झगड़ के बीमा कंपनियों से आंदोलन प्रदर्शन जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उसकी मॉनिटरिंग ये सारे करने के बाद यहाँ के किसान को दिला पाए हैं। एक सवाल जयपुर में जब राज्य स्तरीय एक मीटिंग थी, हमें भी उसमें बुलाया गया था, राज्य सरकार के सारे अफसर थे, बीमा कंपनियों के थे, बैंकिंग के सारे अफसर थे, उस समय हमने ये सवाल ये रखा था कि आप फसल बीमा को रहने दीजिए, आप तो जो प्रीमियम सब्सिडी बीमा कंपनियों को दे रहे हैं आप वो किसान को दे दीजिए, हम ये समझ लेंगे कि हमारी फसल की बीमा हो गई, अगर नुकसान भी हुआ है तो ठीक, नहीं भी हुआ है तो भी ठीक, किसान आपसे क्लेम की मांग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट जो आप बीमा कंपनियों को दे रहे हो उसके बदले में इतना पैसा किसान को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए किसान को दे दिया जाए, उसके खाद बीज रखवाली ट्रैक्टर की बुआई डीजल इन सारे जो आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति से हो जाएगी। क्लेम मिलने का जो इश्यू है वो अभी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के माध्यम से क्लेम बनता है। अधिकतर किसान क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को नहीं समझते हैं, वो कब तैयार होती है, गोदावरी कब तैयार होती है, तो जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उनको भी ये पता नहीं कि हमारी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और गिरदावरी से किसान का क्लेम बनता है। तो वो तो जब से रेवेन्यू रूल बने थे उस समय गिरदावरी और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट बननी शुरू हुई थी, उसका उस समय उनका जो आशय था वो आशय ये था कि इस बार फसल का औसत उत्पादन कितना हुआ है उसका मोटा मोटी एक आंकलन का उत्पादन था, उनका जो बेस था वो ये था। अब इसके साथ फसल बीमा को जोड़ दिया गया तो फसल बीमा ये के लिए क्रॉप कटिंग करने वाली रेवेन्यू अथॉरिटी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी उनको एक्सपर्ट नहीं किया गया, उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरीके से फसल के खाते का आकलन करना है। तो वो तो रूटीन में क्रॉप कटिंग और गिरदावरी करते हैं, जैसे पिछले साल की थी उससे पिछले साल की थी, उस तरीके से वो कर देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि किसान अपने फसल के खराबे अकाल की स्थिति के बावजूद भी क्लेम से वंचित रह जाता है। हाँ हाँ हाँ।
बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और थोड़ा बताएं साथ में कि ये जो प्रीमियम जो है बैंकों के लोन से काटते हैं, जो किसानों का लोन नहीं लिया हुआ है उसको कैसे मिलता है, और दूसरा इसमें कोई लिमिट है क्या कि इतने एकड़ तक के किसान को मिलेगा या इतने एकड़ से ऊपर के किसान को नहीं मिलेगा? इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अनिवार्य आधार पे है। जो किसान जिसने बैंकों से या कोऑपरेटिव से केसीसी ऋण ले रखा है, हाँ, और समय समय पे लेन देन करता आ रहा है, हाँ, उसका प्रीमियम अनिवार्य रूप से कटेगा। किसान की मर्जी पे ये निर्भर नहीं करता, अच्छा, ये अनिवार्य है, हाँ, और वो अपनी पूरी जमीन का कटवा सकता है। क्लेम अगर उसका बढ़ता है तो जितनी जमीन का प्रीमियम कटाए उतनी जमीन का क्लेम किसान को मिलेगा। अच्छा, लेकिन अच्छा, ये अनिवार्य आधार पे है। अभी एक जरूरी अभी मोदी जी की सरकार ने हमारे यहाँ ये लागू कर दिया कि हम 27 बीघा का जो किसान है 7 हेक्टर जमीन वाला, उससे ऊपर की अगर कोई किसान बीमा करवाएगा तो उसको टोटल प्रीमियम 7,500 रुपए खुद किसान को वहन करना पड़ेगा। इससे नीचे जो है वो 450 रुपए प्रति हेक्टर प्रीमियम लगेगा। तो कुल मिला के ये जो 7,050 रुपए प्रति हेक्टर की सब्सिडी है वो किसान किसान को नहीं मिलेगी 7 हेक्टर से ऊपर वाली जमीन की। अच्छा, इसमें को बता कि इसमें जी बीमा कंपनियां हैं, सारी बीमा कंपनी प्राइवेट हैं, कौन कौन सी कंपनी है इसमें, कुछ नाम बता सकते हैं आप? जितनी भी एग्रीकल्चर ये जनरल इंश्योरेंस में काम करती है वो सारी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीएफसी, आरको, आपके रिलायंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एआईसी तो पहले से थी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया तो पहले से थी जो सरकारी कंपनी है, बाकी जितने भी ये प्राइवेट कंपनी है, एचडीएफसी का मैंने बताई दिया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, आपके एसबीआई हो गया, ये सारी कंपनियां रोटेशन में जिले इनके चेंज होते रहते हैं, ये सारे पूरे देश में काम कर रही है। अच्छा अच्छा, और क्या ऐसी बता थोड़ा जो किसान को जो परेशानी आती है इसमें क्लेम में, मतलब ऐसा कोई तत्व और कुछ बचा है आप अपने हिसाब से बताना चाहते हैं जो छूट गया हो? किसान को सबसे पहले तो अपनी जो पासबुक है ना जिसमें वो केसीसी का लेन देन करता है, उसमें सबसे पहले किसान को ये देखना चाहिए कि उसका ब्याज के साथ साथ प्रीमियम कितना रुपए कटा है। अच्छा, तो उसमें पासबुक में चढ़ता है वो? हाँ, वो एंट्री होती है उसमें। अच्छा, तो वो उसको देखना चाहिए, और देखने के बाद फिर अगर अकाल की स्थिति है, हाँ, तो वो अपने नजदीकी कृषि अधिकारी और पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, उनसे संपर्क करे और उनको अपने खेत में लेके जाए, हाँ, उनको वास्तविक स्थिति दिखाए, हाँ, और उसके बाद में जब क्रॉप कटिंग हो, हाँ, उस समय वो उस बात की मॉनिटरिंग करे कि जो रेंडम प्रणाली से खसरे अलॉट हुए हैं क्रॉप कटिंग के लिए, उन खसरों की वास्तविक स्थिति क्या है, क्रॉप कटिंग क्या है, वहाँ अगर अकाल दिखाएंगे तो किसान को क्लेम मिलेगा, वहाँ अगर अकाल के बावजूद जमाना दिखाएंगे तो किसान को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्रॉप जो आप क्रॉप कटिंग बोल रहे हैं, ये मतलब वहाँ की फसल की जांच है कि कितने परसेंट फसल खराब हुई है? देखो, इसमें दो चीजें होती है, प्रत्येक पटवार हल्के में एक तो होती है गारंटी उपज और एक होती है औसत उपज। तो गारंटी उपज जो अधिसूचना सरकार जारी करती है, तो पहले तो तहसील की एक गारंटी उपज होती थी कि इतना उत्पादन होगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, इससे नीचा रहेगा तो पर किलो के हिसाब से जो उत्पादन है वो आपको मिलेगा। तो गारंटी उपज जैसे हमारे यहाँ प्रति हेक्टर 2 क्विंटल चने की गारंटी उपज है, तो इसकी कीमत अगर हम निकालें तो 30,000 रुपए रिश्वत कवर है। 30,000 में 200 का हम भाग देंगे तो 1 केजी चने की कीमत आ जाएगी। जितना क्रॉप कटिंग में अगर उत्पादन 1 क्विंटल का है तो 1 क्विंटल 100 किलो चने का किसान को क्लेम मिलेगा। ये इसमें एक सूत्र है जो अधिसूचना में दिया हुआ है, उसको मतलब क्रॉप कटिंग के समय किसान मॉनिटरिंग करे और अपनी जो पासबुक है उसमें इस बात की निगाह भी करे कि ब्याज के साथ मेरा प्रीमियम कितना कटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। और कुछ ऐसा है जो छूट गया आप जो किसानों को कहना चाहते हो? किसानों को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चीज को समझने के लिए आप नजदीकी जिला कृषि अधिकारी के पास जाकर के अपनी फसल की अधिसूचना जो फसल बीमा के लिए जारी हुई है वो लेके आए, उस कॉपी को पढ़े और उसमें जो प्रावधान सारे बताए गए हैं वो
ठीक से लागू करवाने का संकेत होकर के वो प्रयास करे। तो जिस तरीके से चूरू और हनुमानगढ़ जिले के किसान कई बार बीमा कंपनियों से फसल बीमा की राशि लेने में कामयाब हुए, उस तरीके से वो देश और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इस बात को लागू कर सकते हैं। चलो थैंक यू आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी बताई। अभी एक्चुअल क्या इलेक्शन चल रहे हैं तो हमारा समझ ये हुआ कि कम से कम इसकी जानकारी चुनावी के साथ में, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी संख्या में इसका ऐड हुआ, बीजेपी वालों ने भी इस योजना का बड़ा लाभ लेने की कोशिश की। ये योजना आपने जैसे बताया कि पहले से थी, ये कांग्रेस के टाइम से ही थी, इसका नाम बदल के अभी किया गया है। हाँ, तो ये जानकारी लोगों को जानना बहुत जरूरी थी। चलो ठीक है सर, थैंक यू, थैंक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू, है ना, थैंक्स ओके। साथियों ये हमारे साथ थे निर्मल कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जानकारी आपको बताई। और अब साथियों हमको ये समझना है कि जिस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने है, उस सिचुएशन में सरकार क्या कह रही। देखो सरकार, उन्होंने बताया कि सरकार कितना बड़ा पैसा बीमा कंपनियों को दे रही है, उतना पैसा ही अगर किसान को दिया जाए तो किसान के डीजल का, फसल का बड़ा हेल्प हो सकता है। हमने इसलिए वो 6000 वाली योजना की बात कराई थी। उन्होंने बताया कि जो 6000 साल का देने की प्रधानमंत्री जी घोषणा लेके आए की है इन्होंने, उसके पहले ये बीमा कंपनियों को 1 एकड़ का 7000 कुछ रुपए दे रहे हैं, अंदाजा लगाइए आप, तो कितनी बड़ी राशि है। और ये अभी प्रधानमंत्री ने 5 एकड़ तक के किसानों के लिए 6000 ये घोषणा किया है। तो ये से समझ में आता है कि ये पूरा घालमेल जो है, जो 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 सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये खुले रूप से किसान टारगेट नहीं है इनके, इसमें बीमा कंपनियां, कॉर्पोरेट्स कंपनियां, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सारी प्राइवेट कंपनियां, रिलायंस बड़ी संख्या में बड़ी जगह इसकी वर्किंग कर रही है। तो ये हमको समझना है साथियों कि इस तरीके की जो सिचुएशन हमारे देश में आ रही है, हो रही है, ये नीतिगत सवाल है। इसलिए हमको साथियों जो इलेक्शन आता है इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि मोदी सरकार का बेसिक कॉन्सेप्ट है किसान से को इससे जो थोड़ा बहुत हेल्प हुई है, जहां लड़ रहे हैं, मगर इससे बड़ा हेल्प जो है बीमा कंपनी को हुआ है ये सरकार की नीति से। वो देसी विदेशी कंपनियां हैं जो इस बीमा कंपनियां इसमें बड़ा बड़ा प्रीमियम लेकर के, किसानों से प्रीमियम लिया और जो है सरकार से प्रीमियम लेकर के बड़ा पैसा कमाने में सफल हुई। तो साथियों ये है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमने आपके सामने रखी। और मेरे को उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको भी समझ में आएगा इस सरकार की दिशा, इस सरकार की समझ में आएगी कि सरकार किस दिशा में चल रही है। तो थैंक यू आपको, धन्यवाद। आपसे अपील ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे निवेदन है कि ये समझ के आपसे निवेदन है कि ये जो सिचुएशन है इसको सोच करके समझ करके फिर इस आने वाले चुनाव में प्रचार करें, कि आने वाले चुनाव में वोट करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन है हमारी सरकार की, इसकी नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। चुनावी हमारे परिपेक्ष को समझना बहुत जरूरी है, चुनावी समझ को बहुत समझना जरूरी है, इसके बाद ही, क्योंकि इनका कहना कुछ है करना। इसलिए आज वो फसल बीमा का बात नहीं कर रहे हैं, वो चौकीदार पे आ गए हैं। इसलिए चौकीदार वाली कहानी, राष्ट्रवादी वाली कहानी हटा के हमको इसकी तरफ लेके आना है कि आपने फसल बीमा ये किसानों के लिए की थी या बीमा कंपनियों के लिए की थी, और इसमें इतना बड़ा पैसा आप जो बीमा कंपनियों को दे रहे हैं सीधा किसानों को क्यों नहीं दे सकते हैं, ये सवाल हमको बनाना चाहिए। और किसान को एक बड़ी हेल्प होना चाहिए ताकि उसको वो अपना जो है खाद बीज और खेती को जो है बचाने में सफल हो सके। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी अपील के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं, अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक्स।